यू का सीजन 3 आ चुका जो कि 15 अक्टूबर को आया था, लेकिन आपको बता ना 15 अक्टूबर को काफी सारा कंटेंट आया था जिस वजह से इसको मैंने थोड़ा डिले कर दिया और इसे अब देखा, क्योंकि इसके अंदर है 10 एपिसोड और हर एक एपिसोड की जो लेंथ है ना वो 40 मिनट के अराउंड है, तो काफी लंबे समय लेने वाला था, मैंने सोचा इसे थोड़ा डिले ही कर देते हैं। लेकिन अभी मैंने देख लिया, देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आप इसे देखेंगे। देखिए ये सब जानने के लिए तो आपको इस रिव्यू बने रहना होगा। चलिए शुरू कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। अब बात करो अगर आप सीजन 3 देखना चाहते हो तो 2 सीजन जो आ चुके हैं ना वो देखने कंपलसरी हो जाते हैं, उसी के बाद ये सीरीज आपको काफी ज्यादा इंप्रेसिव और इंजॉयबल लगने वाली है। जी हाँ आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि भाई उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो तभी आपको समझ पाएंगे अगर आपने दोनों सीजन देखे हैं, उनसे काफी ज्यादा आपको पता है ना इम्पैक्ट पड़ता है, वो इम्पैक्ट ये है, उनके बिना तो ये कहानी भी काफी ज्यादा अधूरी होने वाली है, खासकर ये पार्ट। और इसका सीजन 4 आएगा नहीं आएगा उसकी बात भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले रिकैप ले लेते हैं, अगर आपने सीजन 1-2 नहीं देखा तो उसका एक रिकैप बता देता हूँ। आपको पता है जो भाई जो प्यार के पैसे उन्हें प्यार हो जाता है, एक लड़की बुक स्टोर में आके किताब देखती है जिसका नाम है बैग, उन्हें पता चलता है बैग का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है, तो भैया बॉयफ्रेंड को कैसे हटाना है उन्हें आता है, हटा देते हैं। वहीं अब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसे ही, डॉक्टर इलाज नहीं कुछ और ही कर रहा है, तो भैया वो अब क्या करते हैं बैग को मारते हैं, और बैग को मारने के बाद डॉक्टर निक को फंसा देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब आते हैं आगे, आगे क्या होता है, अब ना वो शांत सुकून से फिर दोबारा लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कैंडलस आ चुकी है, और कैंडलस आ गई, आने के बाद वो उससे बच बचू के लॉस एंजल भाग जाते हैं। भागने के बाद वो वहाँ पर एक विली नाम का व्यक्ति होता है, उसे तो भाई बंद कर लेता है, उसे मारना चाहता है और उसके नाम पर खुद रहने लगता है, यानी कि वो विल बन चुका है। जी हाँ, बट अब उसे फिर से एक और लड़की दिखने वाली है जिसका नाम है लव, उसे देखते फिर उसे प्यार हो जाता है, बट उसकी लाइफ में दोबारा से कैंडलस आने वाली है, पता नहीं कहाँ से आई ये तो हमको नहीं पता, लेकिन वो अब समझा रही है लव को कि इसके चक्कर में मत पर वरना रफू चक्कर हो जाएगी। जी हाँ, अब लव के लिए ये बात सुन के काफ़ी अजीब सा लगता है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है कि लव ही ना कैंडलस को मार देती है, और पता चलता है सबको कि लव भी ना साइको किलर ही है। जी हाँ, और उससे भी ज़्यादा बड़ी। अब आ रहा है सीजन 3, सीजन 3 की शुरुआत हो रही है, एक परिवार बन चुका है, यानी कि लव और जो भैया उनका बेटा भी हो गया है हेनरी, और अब ये तीनों एक परिवार की तरह रह रहे हैं। लेकिन अब इस परिवार के अंदर शांति रहेगी या नहीं, मर्डर होंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी। जैसे कि सीरीज के अंदर भी दिखा दिया गया था, एक छोटे से स्पॉइलर के साथ बता दूं कि किलिंग तो होनी जरूरी है, तभी तो सीजन 3 बनेगा, और सीजन 4 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो आप समझ चुके हो कि कहानी में आगे क्या टर्न ट्विस्ट और कैसी किलिंग होने वाली है, ये सारी चीज़ें अब आगे आपको दिखने वाली है। अब बात करूँ कहानी काफ़ी अच्छी तरीके से भाई आगे बढ़ा दी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से, और अब बताऊँ आपको इसका सीजन 4, 5, 6, 7 पता नहीं कहाँ तक जाएगा इसे देखने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, जो भैया की जो इच्छा है वो खत्म ही नहीं हो रही है, कहानी को ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि भाई कहानी हर बार एक नए मुद्दे से शुरू हो रही है और एक नई ही शुरुआत कर रही है, कोई पुराना पास्ट नहीं दिखाया जा रहा, बट कनेक्शन जो है जो हम नहीं जानते वो सब जानने के लिए हमको पास्ट के जो एपिसोड है वो देखने होते हैं, यानी कि सीजन देखने होते हैं, जिस वजह से हम कनेक्ट कर पाए। अगर स्क्रीन पे अब कैसा था तो अच्छा खासा बैकग्राउंड स्कोर लेकर क्या, प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक ठाक थी, VFX सिनेमोग्राफी पे अच्छा खासा काम किया गया है। बात करें ये सीरीज आप देखें तो अगर आपने सीजन 2 देख रखे हैं इससे पहले के दोनों भाई, तो भाई आपको तो कंपलसरी है ये देखनी, जिन्होंने नहीं देखे वो पहले उन्हें जाके देखे, तभी आप देखोगे तभी समझ पाओगे अच्छी तरीके से, वरना आप इसे भी देख के थोड़ा बहुत इन्जॉय कर पाओगे। जी हाँ, लेकिन ज़्यादा मज़ा तो नहीं आएगा अगर आपने सीजन दोनों ही इसके नहीं देखे जो मिस कर चुके हो, तो भाई मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप भी अगर साइको किलर पर आधारित ऐसी कोई सीरीज देखना चाहते हो तो आप इसे देख के इन्जॉय कर सकते हो, जो कि है एक तरीके से 7 खून माप मेरे हिसाब से। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये कैसी लगी, आपने मेरे से पहले देखी तो कमेंट बॉक्स में बताइए।